अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादर टू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने MLA टी राजा सिंह को बिलोली आने से रोकने पर महकुमा पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मुसलमानों के खिलाफ में हमेशा जहर उगलने वाले और दो समाज में नफरत के बीच पैदा करने वाले शरपसंद लीडर राजा सिंह के नांदेड़ के बिलोली में दाखिले के खिलाफ में पाबंदी लगाने का मुतालिबा वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद और दीगर जिम्मेदारान की जानिब से जिला कलेक्टर और जिला SP को एक मेमोरेंडम पेश करते हुए किया गया था। देखिए, राजा सिंह नाम के एक तेलंगाना के विधायक है, आमदार है, और वो प्रोवोकिंग, लोगों को भड़काने वाली तकरीर करते हैं, और उनके महाराष्ट्र के अंदर पिछले दो तीन महीने में कई जगह पे उनके तकरीरों से कानून व्यवस्था बिगड़ी है, दंगे हुए हैं, इसलिए उनके ऊपर मामले भी दर्ज हो गए, FIR दाखिल हुई। नांदेड़ में अभी हम देखते हैं कि भीम जयंती का बड़ा उत्साह के साथ में भीम जयंती नांदेड़ ज़िले में मनाई जाती है, और पूरे महाराष्ट्र, पूरे दुनिया में माह रमज़ान का मुबारक महीना है, और रमज़ान के महीने में रोज़े चल रहे हैं और ईद की तैयारियां चल रही है। ऐसे माहौल में अपने नांदेड़ ज़िले के अंदर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिशें, साजिशें अगर हो रही है तो उसको रोकने का काम प्रशासन का है, इसलिए हमने पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से अदबन गुजारिश की थी कि वो राजा सिंह को नांदेड़ में आने से रोका गया, जिस पर जिला इंतजामिया ने तेलंगाना के मुतनादा MLA राजा सिंह के नांदेड़ के बिलोली में दाखिले पर पाबंदी आयद की थी। वंचित बहुजन आघाड़ी की मौसर नुमाइंदगी के सबब ही मुतनादा लीडर राजा सिंह की बिलोली में दाखिले पर रोक लगाई गई थी, जिस पर वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासत तर्जुमान फारूक अहमद ने जिला पुलिस महकुमा और जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासत तर्जुमान फारूक अहमद ने मीडिया से मुखातिब होकर कुछ यूं मालूमात दी। हमारा विरोध कोई रामनवमी को या किसी जुलूस को बिल्कुल नहीं था। लोकशाही के अंदर सभी धर्म जाति को अपना अपना है। हमारा ये कहना है कि ऐसे भड़काऊ तकरीर करने वालों को रोका जाए, जिसके ऊपर ऑलरेडी FIR दाखिल हुई है, और पुलिस प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने संजीदगी से लिया और अपने तरीक़ों से उन्होंने राजा सिंह को बिलोली में आने से रोका, इसलिए मैं जिला प्रशासन का और पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा करता हूँ। कैसा है, देखिए, सवाल अब वहाँ पे है कि सुलेमान साहब है कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस को ग़ुलामों की आदत है, और सुलेमान सेठ जो है वो बागी इंसान है और जज्बाती इंसान है, कौम का दर्द रखता है, और वहाँ कांग्रेस में ग़ुलामी का कल्चर है और ये ग़ुलामी पसंद नहीं है, इसलिए बार बार मुश्किल आ रही है। सुलेमान साहब को मैं आपके ज़रिए करता हूँ कि शेर को संभालना हर एक के बस की बात नहीं है, कहाँ वो सर्कस में जाके सलाम ठोकरे, निकलो उसके बाहर, आ जाओ वंचित बहुजन आघाड़ी में, शेरों की जमात इधर है। इसलिए सुलेमान साहब से मेरी गुजारिश है कि वहाँ रहोगे तो जलील होगे, जैसे जेल में डाल दिया ना, यही करेंगे और यही करते हैं, इनके ही पार्टी के लोग करते हैं इनके, इसलिए वो उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन पुलिस का मैं निषेध करता हूं कि सुलेमान सेठ के वक्तव्य में कहीं पर भी कोई ऐसा बयान नहीं था जिससे मुस्लिम नौजवानों को या किसी को दंगा भड़काने के जैसा कुछ बयान ही नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी दंगल हो गई तो वो पूरे ज़िले के लिए, महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं है, इसलिए वो राजीव सिंह को रोकने के लिए निवेदन देने को जाना है। गलत क्या था उसमें, तो गलत कार्रवाई हुई है, मैं पुलिस की कार्रवाई का निषेध करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इस वक्त जो नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक हैं, SP साहब हैं, वो बड़े कड़े तौर पर कानून का और कर्तव्य ड्यूटी अपनी निभा रहे हैं, बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर रखने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले हम देखें 5-6 सालों में बहुत माहौल नांदेड़ का ख़राब हुआ है। नांदेड़ के अंदर हम देख रहे हैं कि कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती है, फायरिंग होती है, रिवॉल्वर निकाले जाते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रिवॉल्वर के केसेस, मुझे लगता है कि पिछले 3 महीनों में 9 मामलात में 17 बंदूकें जब्त हुई है, ये SP साहब का स्टेटमेंट है। और अगर नांदेड़ में 3 महीने में अगर 9 केस होते हैं फायरिंग और उससे रिलेटेड, और 17 बंदूकें और कई कारतूस जब्त होते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि नांदेड़ को क्या बना रहे हैं, ये जंग का अड्डा बना रहे हैं क्या नांदेड़ को। तो इतना नांदेड़ का कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है, जब से ये नए SP आए, ये कोशिश कर रहे हैं और हम उनको समर्थन करते हैं कि वो कोशिश करें, चाहे कोई भी धर्म जाति के लोग हो, अगर कानून व्यवस्था की बात होगी तो कड़क तौर पे उसके ऊपर काम होना चाहिए। लेकिन सुलेमान सेठ के जो कार्रवाई बिलोली में हुई है, वो मुझे नहीं लगता कि SP साहब का उस पर नज़र पड़ी होगी, उन्होंने गौर करना चाहिए और ऐसी गलत कार्रवाई का मैं निषेध करता हूँ। बहुत है जी ऐसे दीवाने, ये है ना, कम पढ़े लिखे लोग हैं और बचपन में घर छोड़ के भागे वाले हैं। वो कालीचरण जी के बारे में तो मैं पढ़ा कि वो अकोला ज़िले के बचपन में घर छोड़ के चले गए थे हरिद्वार में, और कुछ भी पैसों से भी चुरा के भागे, ऐसे भी कहीं पढ़ा था। ये ऐसे लोग हैं ना, ये धर्म के नाम पे नहीं है,
धर्म को जानने के लिए धर्म के विद्वान लोग रखते, ये भड़काने का काम करने के लिए दोनों तरफ दोनों तबकों में भी भड़काऊ बात करने वाले जो होते हैं ना वो समाज का हित नहीं करते। मैंने उनके तकरीर के कुछ अंश के बारे में मुझे कुछ दोस्तों के फ़ोन आए, वो बता रहे थे, मैं बोला ये हिंदू समाज को कहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं, कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। अरे आज का पढ़ा लिखा हिंदू समाज इनकी बातों में झांसे में मुझे नहीं लगता आएगा, वो कौन से दुनिया में लेके जा रहे, कहाँ लेके जा रहे। और चाहे कोई भी समाज हो, तरक्की करनी चाहिए, आगे क्या देखना चाहिए भविष्य का, अपने रोज़गार बेरोजगारी ये चीज़ें मामले, इतने सालों से मुसलमान यहाँ रह रहे, कौन से काफिरों को कौन सा कत्ल करें, कौन सा जिहाद करा मुसलमान ने, कितने पीढ़ियाँ गुजर गए, हमारे बुजुर्ग पुल कब्रस्तानों के अंदर दफन है, उन्होंने कितने हत्याएँ करे थे। जिहाद का हुक्म जुल्म के खिलाफ है, काफिर के खिलाफ नहीं है। ये अभी हाल ही में मुफ्ती साहब का बयान सुना मैंने कि जुल्म जिहाद का जो हुक्म है वो जुल्म के खिलाफ है, जुल्म के खिलाफ में लड़ाई लड़ने का आदेश यानी जिहाद। जुल्म नहीं है तो फिर जिहाद कहाँ से आएगा। अब तो नया जुल्म पैदा करके जिहाद को दावत देना चाह रहे क्या, हर मुसलमान को तुम जिहादी बना रहे, हर बार वो लव जिहाद। महाराष्ट्र सरकार में RTI में परसों असेंबली के अंदर रखा एक आमदार ने कि RTI ने बताया महिला बाल कल्याण में कि महाराष्ट्र में एक भी लव जिहाद का केस दाखिल नहीं है। फिर कहाँ है लव जिहाद, तुमको कहाँ दिख रहा है। इतना लव जिहाद कर रहे हैं कि लोगों को जिहाद नाम से लव हो जाएगा। जिहाद तो क्रांति की चीज़ है, एक इनकलाब की चीज़ है, उससे लव हो जाएगा, लव जिहाद हो जाएगा। अभी तो मुझे लगता है कि कहाँ से करेंगे। सबसे ज़्यादा लड़कियाँ रहने वाली जमात मुसलमान है, क्योंकि हमने भ्रूण हत्याएँ नहीं की, इसलिए मुस्लिम समाज के पास सबसे ज़्यादा लड़कियाँ हैं भारत के अंदर। बाकी किसी हिंदू समाज के अंदर और किसी भी समाज के अंदर लड़कों की तुलना में लड़कियों का रेशो नहीं है। अरे हमारे पास में रेशो है, तुमको हिंदू समाज को ही लड़कियाँ नहीं मिल रही, कई जातियों के अंदर तो लड़कियाँ हैं, तो दूसरी जाति के ला रहे, कम से कम इस बहाने से जाति प्रथा बंद हो रही, अच्छी बात है, तो उनको लड़कियाँ कम पड़ रही, तो मुसलमान कहाँ से लव जिहाद करेगा। ये सिर्फ ढकोसला है, दिखावा है, ये बोगस बात है। और उन्होंने मुझे पता चला कि वफ़ के बारे में कहा, वफ़ की ज़मीनें किसी की ज़मीन पर हड़प कर मस्जिद नहीं बनती है। अपनी जाति खरीदी हुई ज़मीन, अगर मेरे पास में 10 एकड़ ज़मीन है और मैं अपने औलाद को नहीं देना चाह रहा, मैं धर्म को दान देना चाह रहा, तो वो अपने मज़हब को अपने अल्लाह के लिए दीदी वाली जो मिल्कियत होती है वो वक्फ बोर्ड में आती है, ओपन जगह नहीं आती है। सरकार की ज़मीनें गैरान ज़मीनें वक्फ में नहीं आती है। वक्फ की ज़मीन यानी वो ज़मीन जो मालक अपने मर्जी से अपने धर्म के काम के लिए दे देता है, उस ज़मीन को वक्फ की ज़मीन कहते हैं। तो ये पढ़े लिखे नहीं है, मैंने कहा ना, ये कालीचरण जी जो है ये पढ़े लिखे नहीं है, बेचारे हैं, जाहिल है, अनपढ़ है, इनको कानून वानून क्या मालूम है। एक दो अल्फाज मराठी के बोल दीजिए, इंग्लिश के बोल देने से कोई ये नहीं होता। तो इनके बातों को बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए। लाफ्टर चैलेंज शो के जैसे कुछ कॉमेडी का भी मामला है और कुछ ऐसी है, मुझे नहीं लगता हिंदू नौजवान इनके झांसे में आएंगे। और हम किसी को रोकते नहीं हैं, हम ये कहते हैं कि आप मुद्दे की बात करो, विचार की बात करो। टी राजा सिंह हो, वो चौहान के हो, कालीचरण हो, या कोई भी हो, आपको इस्लाम को लेके मुसलमानों को लेके अगर कुछ मतभेद है तो हमारे विद्वान लोगों के साथ आके बैठो, आओ हमसे बहस करो। चलो हम तो धार्मिक विद्वान नहीं है, हम तो सामाजिक है, तो हम चैलेंज करते हैं आपको, आइए हमारे साथ में डिबेट करिए। आप आइए, कौन से मुद्दे पे डिबेट करना है आपको, हिंदू के मुद्दे पे डिबेट करना है कि हिंदुत्व के मुद्दे पे डिबेट करना है, कौन से मुद्दे पे, कि जिहाद के मुद्दे पे करना है, तो हम चैलेंज करते हैं ये सब लोगों को, पाखंडियों को, कि आओ आप बहस के लिए 1-to-1 आओ, इन कैमरा आओ, या फिर आओ कहाँ सभा लगानी है। मंच आपका होगा, इलाका आपका होगा, गर्जना हमारी होगी, हम आएंगे आपसे बात करने के, विवाद करने के लिए, बहस करने के लिए। विचारों की बात विचारों से होनी चाहिए, ये मिसगाइड मत करो, नौजवानों को बहकाने का काम मत करो आप। मैंने तो शुक्रिया अदा किया है पुलिस प्रशासन का, जिला प्रशासन का। पुलिस को सब समझता है जी, पुलिस को भी दिखता है, सब मालूम है उनको भी क्या हो रहा है, पुलिस सो मोटो भी करती है। अभी परभणी ज़िले में मामला हुआ, एक सियासी आदमी ने वो बच्चे को मामला दर्ज करने से मना कर दिया था, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ परभणी के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को, उन्होंने सो मोटो कंप्लेंट ली और अरेस्ट किया आरोपियों को। पुलिस अपना काम करती है, पुलिस अपना काम अच्छे से निभाती है, पुलिस के ऊपर प्रेशर डालने का काम नहीं करना चाहिए। हमने पुलिस को खाली यही अवेयर किया था कि राजा सिंह आने वाले, आपकी इतला में नहीं होगा तो भाई इन पर इतने मामला दें और कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए आप बंदोबस्त करो, क्योंकि ईद का और भीम जयंती के माहौल के अंदर फालतू कुछ घटनाएं ना घटे, सब लोग अपने हर्षोल्लास से अपने अपनी ईद और खुशियों को मनाएं, इसलिए। और जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने गंभीरता से लिया, इसलिए फिर से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।
हामिला खवातीन और औरतों के दिगर इमराज नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश बाद पान बच्चा दाने की गांठों और अपेंडिक्स आनिया का इलाज और ऑपरेशन की सहूलत मौजूद। डॉक्टर खान सारा नुदरत माविन नर्सिंग होम एंड फर्टिलिटी सेंटर चावल वाला कॉम्प्लेक्स SBI बैंक के ऊपर देगलूर नाका नांदेड़। नांदेड़ शहर में पहली बार आप बिरयानी मिलेंगी किलो के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ सौदागर चिकन फैमिली रेस्टोरेंट में। लजीज बिरयानी के साथ साथ चिकन बोनलेस, चिकन तंगड़ी, चिकन 65 के अलावा चिकन की मुख्तलिफ डिशेज भी किलो के हिसाब से दस्तियाब है। सौदागर चिकन फैमिली रेस्टोरेंट शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के सामने मखदूम नगर नांदेड़। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।